सोचते थे, कि आगे हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था। अच्छा हुआ माँ ने मुझे नहीं देखा। कौन से असबाब हैं, कौन से वजूहात हैं कि ये मुजरिम इस जानिब गया? इंतहा पसंदी या एक्सट्रीमिज्म क्या है? अकायद और नजरियात में अदम तवाजुन का नाम जो अदम बर्दाश्त को जन्म देता है। एक ऐसी जहनी कैफियत जिसमें एक फर्द या गिरोह खुद को बालातर और मुख्तलिफ समझता है। सियासी मुआशी और मुआशरती तजाद के नतीजे में अदम तवाजुन का पैदा होना और फिर तशद्दुद की तरफ माइल होना, यकीनन इंतहा पसंदी की यही तारीफ की जा सकती है। जब मुझे 300 मिलते थे तो मेरे ख्याल में मैं आज़ाद था, 500 तक भी मैं आज़ाद था। जब मेरे अंदर लालच आया तो मैंने जब इनसे ज़्यादा पैसों का तकाजा किया तो इन्होंने मुझे टास्क देने शुरू किए। अब टास्क वाले लड़कों की रिटर्न वापसी नामुमकिन है। अगर हमने कभी किसी टास्क को मना किया, नहीं यार हम ये घर खाली नहीं करा सकते, ये तो बेवा का घर है, ठीक है बोला आप नहीं कर सकते, चलो आप ठीक है आप एक काम कर लो, आप जाएं ये काम करें और पीछे से दो लड़कों को बोले जाओ मार दो इसको। जहाँ नाइंसाफियाँ जन्म लेती हैं उसका सब्सिट्यूट तो यही निकलता है। उसमें सबसे मेन चीज़ जो है एजुकेशन के ना होने से, अवेयरनेस ना होने से और उस तरह के वसाइल ना होने से कि उनको कुछ जैनशीन किया जाए, अच्छाई की तरह रागब किया जाए, तो जाहिर है वो कुछ ऐसे टेक्निकल जो टेररिस्ट माइंड लोगों के हत्थे छड़ते हैं वो लोग, वो जो यूज़ हो जाते हैं और इस तरह वो एक्सट्रीमिज़म जन्म लेती है। फिर इंसान जो है ना दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, वो कि वो गलत है, मैं उसको किसी सूरत अच्छा नहीं समझता, लेकिन हकीकत यही है कि मायूसियों की वजह से मायूसियाँ इंसान के अंदर इस कदर जन्म ले लेती हैं, वो दूसरा रुख इख्तियार करता है। सियासी मुआशी और समाजी खराबी ने फी जमाना जिस इंतहा पसंदी को फरोग दिया है, इसमें बज़ाहिर नुकसान तो फर्द वाहिद का है मगर दरअसल वो नुकसान इस शख्स से जुड़े एक पूरे खानदान का है। बाखुदा मैं खुशी से इस फील्ड में नहीं गया था, मेरी मजबूरी ने मुझे ले गया। अगर मुझे कोई गाइड करने वाला होता, अगर हमारे जो ये नुमाइंदे, हमारे जो ये हम जिन्हें जिनके पीछे डांस करते उन्हें वोट देते उन्हें इस मकाम तक लाते हैं, तो आज अगर हमें ये हमारी नुमाइंदगी सही मानों में करते तो मुझ जैसे लड़कों के हाथों में कभी कलाशनकोप या ग्रेनेड या कोई असला नहीं होता। मुल्क से दरपदर हो गया, मैं 4 साल तक बाहर गया हूँ, ना जाने में किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ गुजारा हूँ, मजदूरी किया हूँ, कुछ भी किया हूँ। जब 4 साल बाद आया हूँ मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी, मेरा बाप मर चुका था, ना मैंने बाप का दीदार किया, ना मैंने अपनी वालदा का दीदार किया, वालदा का भी इंतकाल हो गया, तो मेरी ससुराल वालों ने मेरी बीवी और मेरे बच्चों को भी ले गए। मैं अपने ससुराल गया हूँ तो उन्होंने मुझे धक्के दे के निकाल दिए। आला तालीम फराहम करने के इदारों के फारिग तहसील अफराद इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तलबा की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी तालीमी इदारों में ऐसे रुझान और अफराद की मौजूदगी अब कोई राज नहीं। घर में से जो तरबियत मिलती है वही तरबियत जामियात में मुंतकल होती है, वहाँ बच्चे आते हैं वो मेच्योर होते हैं, वो ग्रेजुएशन करने आते हैं, वो बेसिक एजुकेशन के लिए नहीं आते। जब वालदेन इन चीज़ों को उनको रोकते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं, उनको नहीं बोलते, लेकिन अक्सर इस सोसाइटी में ऐसे लोग भी शामिल हैं कि वो अपने ज़ाती मफाद के लिए या पॉलिटिकल उनके इन्वॉल्वमेंट होता है किसी मजहबी जमात से, उसको केश करने के लिए ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को इस रास्ते से धकेल लेते हैं। चुप चुपा के काम करता था, मैं नहीं पता होता था मेरे बाप बाप को, वो मुझे पर्चियाँ देते थे इस जगह पहुँचाना, मुझे क्या पता था पर्चियाँ किस चीज़ की है, मैं पहुँचाता था। इसी तरह कैद में आ गया, फंस गया, ना वहाँ जा सकता था ना पीछे, क्योंकि उन लोगों का जो जगह था वो मालूम मुझे था। अगर मैं खुदा ना खास्ता छोड़ देता तो मेरे घर वालों पे मसला हो जाता। इट इज़ एन आइडिया और अ नैरेटिव दैट अ ग्रुप इम्पोजिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय द वे दे वांट। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान
A child learns to be extremist when he is growing up. In a patriarchal society, जहाँ पर एक male dominated society है, वहाँ पर बच्चा देखता है कि उसका वालिद या जो है वो उसका भाई अपने बहन पर चिल्ला रहा है, वालिद जो है उसकी माँ पर चिल्ला रही है, तो फिर इस तरह के जो मामलात होते हैं, basically a child learns to be extremist within the family, within the educational institution, जिस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है. तश्वीशनाक सूरतेहाल उस वक्त पैदा होती है कि जब ये शिद्दत पसंद अनासिर रियासत और निजाम पर असरअंदाज होकर मुआशरे को यरगमाल बना लें और अपने वजूद से मुतालिक एक खौफ और दहशत पैदा करने में कामयाब हो जाएं। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए दूसरों की खिदमत करके, जैसे मेहमान के सामने हम बिछ जाते हैं, ऐसा अंदाज जो है वो मुआशरात और वालदेन असातज़ा और मीडिया को देना देता है. अब ये सब पर वो नहीं अप्लाई होता. इसमें कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो नफसियाती बीमारी के ज़िम्मे में आती हैं और कुछ नफसियाती जो मसाइल के ज़िद में आती हैं, जिसको हम बीमारी तो नहीं कहेंगे लेकिन इंतहा पसंदी कहेंगे. अब इस किस्म की जो इंतहा पसंद, जिसको हम कहते हैं कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी, वो न सिर्फ ये कि तकलीफ़ दे के इंजॉय करते हैं बल्कि बाद में उसमें और खुश होते हैं. आम इंसान पछतावा करता है, रिमोर्स होता है, जबकि इनमें नहीं होता. ये और कहते हैं और ज़्यादा करूँगा कि इस शख्स को मैंने फायरिंग करके या मार के तड़पाया, इसको और तड़पाऊँगा. किसी दुकानदार को हमने पर्ची दी तो उससे पैसा देने से इनकार कर दिया. 3-4 दफ़ा लड़के गए तो उससे दुकान बंद करके भाग गए, और फिर उसके बाद लड़कों ने उसके दुकान पे फायर मार दिया. फिर मैंने देखा कि दूसरे दिन वो अपने बीवी और बेटी के साथ वो आ गया और दुकान का पेपर लेके कि भई ये मेरे दुकान का पेपर है, आपने मेरे से जो पैसे मांगे इतने की तो वैल्यू नहीं है मेरे दुकान की, तो ये दुकान आप ले लें और मुझे मेरी बीवी और मेरी बेटी को मार के किसी नदी में फेंक दो, क्योंकि इस दुकान के अलावा हमारा कोई नहीं. और उस टाइम मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये कह रहा हूँ, जो मुझे शॉट लगा तो मेरे आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए. तो मैंने उसको कहा कि आप पेपर लेकर अब चले जाओ. उसने बोला नहीं, मुझे यकीन है मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, तुम लोग मुझे मारोगे, कुत्ते की तरह मुझे मारोगे. मैंने बोला नहीं, आप जाओ. मैंने उसको छाठा मार के उसको भगा दिया. और मैं सोचता रहा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ना जाने कितने माओं कितने बहनों की बददुआएं मेरे ऊपर आ रहे हैं. इंतहा पसंदी से अमन की तरफ मुतवज्जे होना कोई ज़मीनी मौजज़ा नहीं, बल्कि आम ख्याल यही है कि ये अचानक ज़हनी इनकलाब, एहसास गुनाह या किसी सदमे या मतलूबा मकासद पूरे ना होने पर मायूसियों की सूरत में भी आ सकती है. बेवाओं को स्कीम का पैसे नहीं मिले और बेवा मजबूर हो गए. यहाँ पर लियारी में जो शख्स दौलत के पीछे जाते हैं नहीं, तो फिर वो लियारी को भूल जाते हैं. एक टाइम पे जो है ये चीज़ चल रहा था लियारी में, सब अपनी कोप के वजह से. हर एक इंसान को कोप होते हैं, अपनी बच्चों का अपनी घर का कोप होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हमारे पाक फौज के वजह से तो समझे ये चीज़ आसानी हो गया. के जितने भी अफसर है हम उसको सलाम करते हैं, एक बेवा उसको सलाम करते हैं. और मैंने ये काम छोड़ दिया है, अगर जिन जिन का दिल मेरी वजह से दुखा है तो मैं इन लोगों से माफी चाहता हूँ. और यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी इस काम पे लगे हैं सब छोड़ दें, ये अच्छा काम नहीं है. राह बदलते हुए, सोच बदलते हुए, रवैये बदलते हुए, जज्बात बदलते हुए, कन्विंसिंग किस्म की आपको कोई मशले राह मिले तो तब्दीली आते हुए देर नहीं लगती इंसान में. माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग उस वक्त जीती जा सकती है
جب منفی ذہنیت کو جڑ سے اکھاڑا جائے۔ اب تقریباً دنیا کے اندر ٹیررزم کاؤنٹر یا ٹیررزم پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح پروٹیکشن حاصل کریں۔ آپ ان اداروں کو جو دوسروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، وہ آج کل اپنے تحفظ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اسلام کی ایک غلط ڈیفینیشن دنیا کو بتائی جا رہی ہے، جس کا خمیازہ بہرحال آج تک ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اسلام از اے کمپلیٹلی ریلیجن آف پیس، اور اسلام ایک جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں آپ کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنا اوپینین بتائیں، یو ہیو فریڈم آف اسپیچ اینڈ آئی ہیو فریڈم آف اسپیچ۔ تو ایک ٹالرنس کا درس اسلام دیتا ہے۔